हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी से तैयारी कर रहे हो इंट्रेंस पेपर की, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे पास IIT रैंक 2005 का, लेट जी बी ए फाइनाइट आवेर इन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन विद आइडेंटिटी ई, फोर ए बिलोंग्स टू जी, ऐसा है कि फोर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए क्यू बराबर ई, देन बाई इंडक्शन ऑफ एन सो दैट एन बराबर 3 to the power k फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर के, यानी कि हमारे पास ये एन बराबर 3 to the power k ऑर्डर के रूप में लिखा जा सकता है और k बराबर कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ये हमें शो करना है। तो फिर इसको सॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं k बराबर 1 पर, अगर k बराबर 1 पर एक हम ग्रुप लें, लेट जी बराबर ए ए स्क्वायर एंड ई, तो इसको इसको देखें तो ए एक डॉट ए करें तो ए स्क्वायर और ए डॉट ए करें तो ए क्यूब, यानी ये ग्रुप जो है आप चेक भी कर सकते हो, इज आर ग्रुप, ग्रुप की सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा, ये हमारे पास एक ग्रुप है। अब फिर सपोज एक दूसरा एलिमेंट है, लेट बी इज एनी अदर एलिमेंट, एनी अदर एलिमेंट विच इज नॉट अ पावर ऑफ ए, यानी हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया है बी जो कि इन एलिमेंट से अलग है, यानी इस एलिमेंट से अलावा कोई एक एलिमेंट लिया है बी, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक अलग एलिमेंट से, उस कंडीशन में हमारे पास अगर इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें इनके हर एलिमेंट्स का, तो एक तो इसके जो एलिमेंट होंगे बी, बी स्क्वायर एंड ई का मल्टीप्लाई कर दें, तो उस कंडीशन में हमारे पास जब बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी ए, बी ए स्क्वायर एंड बी, जब ये आ जाएगा तब बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ए एंड बी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ए स्क्वायर एंड ई। अब इसमें अगर एलिमेंट काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट ऑर्डर ऑफ जी, अब इसको जीवन दे दो, ऑर्डर ऑफ जीवन बराबर क्या है 9, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ जी के बराबर 1 के लिए ट्रू है, के बराबर 2 के लिए ट्रू है। अब ले लें हमको एक ग्रुप है तो जिसका ऑर्डर जो है वो 3 to the power k-1 है, लेट जी एन सो जी के माइनस वन एक और ग्रुप ले लिया विद ऑर्डर k-1, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास अगर इसमें एक और एलिमेंट लेट सी एनी अदर एलिमेंट, लेट सी एनी अदर एलिमेंट विच इज नॉट इन जी के माइनस वन, ऐसा एलिमेंट जो कि जी के माइनस वन जो एलिमेंट थे उसमें इस ऑर्डर ग्रुप में नहीं है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये ग्रुप है। अब हमें शो करना है कि एक ऑर्डर ऑफ के का भी ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ के का जैसे सिमिलरली हमने पहले उसमें किया था, तो यहां पर सी, तो सी स्क्वायर एंड ई, तो अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी जी के माइनस वन, और जब सी स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर का, तो सी स्क्वायर जी के माइनस वन एंड ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जी के माइनस वन। तो फिर पहले जो एलिमेंट थे जैसे हमने इससे पहले दिए थे, जैसे उसमें 3 में हमने b के मल्टीप्लाई किया था, b b स्क्वायर एंड e का, तो हमारे पास 9 आ गए थे। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली ये हमारे पास आ जाएंगे g k माइनस वन c c स्क्वायर एंड g, तो यह तीन ये एलिमेंट है और यहाँ इसका ऑर्डर 3 k-1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 k, ये हो जाएगा ऑर्डर।
तो यहाँ से हमारे पास शो हुआ है कि इससे अगर ऐसे हमारे पास कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर जो के है वो ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो ग्रुप का ऑर्डर जो होगा ठीक के होगा। तो इस तरह से हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।